यदि आप बारिश के पानी से नहाते हैं तो बहुत मजा आता है और बहुत सारे बुलबुले बनते हैं, तो हम कहते हैं कि पानी सॉफ्ट है। लेकिन यदि आप कुएं या नल का पानी यूज करते हैं तो कभी कभी साबुन के झाग नहीं बनते और मैला सा स्कम बनता है। इस केस में हम कहते हैं कि पानी हार्ड है। हार्डनेस आमतौर पर पानी में कैल्शियम आयंस की उपस्थिति के कारण होती है। नदियों या कुओं से आने वाले पानी को आसपास की चट्टानों के माध्यम से गुजरना पड़ता है और यदि उनमें सोल्यूबल कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं तो पानी हार्ड हो जाता है। तो यहाँ एक सवाल है, बारिश का पानी हमेशा सॉफ्ट क्यों होता है? वीडियो को रोकिए जब तक कि आप एक जवाब नहीं सोच लेते। कई सॉल्ट्स चट्टानों से निकलकर समुद्र के पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर पानी इवेपोरेट होता है जिससे बाद में बारिश होती है। इससे सॉल्ट्स समुद्र में ही रह जाते हैं, जिसका मतलब है कि बारिश का पानी हमेशा सॉल्ट्स से मुक्त होता है और इसलिए सॉफ्ट होता है। हालांकि हवा की गैसेस बारिश के पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं और इनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। जब बारिश का पानी लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट पर गिरता है तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, जिससे ऐसी स्टेलेक्टाइट्स से भरी गुफाओं का निर्माण होता है। और ये है इसकी इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। इस तरह की हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं, क्योंकि बॉइलिंग से रिएक्शन रिवर्स की जा सकती है और हार्डनेस रिमूव हो जाती है। लेकिन लाइमस्टोन आपके पाइप्स में, खाना पकाने के बर्तनों पर या आपकी केटली में जमा होकर ऐसा पदार्थ बनाता है जिसे हम लाइम स्केल कहते हैं, और इसी तरह उन बड़ी गुफाओं में स्टेलेक्टाइट्स बनते हैं। हार्डनेस के एक अन्य रूप को परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, जो कि जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट युक्त चट्टानों से आती है। इस केस में आपको लाइम स्केल तो नहीं मिलता, लेकिन आपको साबुन के साथ एक स्कम मिलता है। तो ये स्कम क्या है? साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नेचुरल फैट्स और तेलों को बॉइल करके बनाया जाता है। साबुन के मॉलिक्यूल्स, उदाहरण के लिए सोडियम स्टीरेट में एक लंबी टेल होती है जो चिकनाहट या गंदगी से अट्रैक्ट होती है, और सोडियम आयन एंड पानी से अट्रैक्ट होता है। इस तरह से गंदगी कपड़ों से निकल जाती है और पानी द्वारा हटा ली जाती है। लेकिन कैल्शियम स्टीरेट इनसॉल्युबल है। यदि पानी में कैल्शियम आयन्स होते हैं तो साबुन तब तक काम नहीं करता जब तक सभी कैल्शियम आयन्स को स्कम के रूप में बाहर नहीं निकाला जाता। डिटर्जेंट्स एल्किल बेंजीन सल्फोनेट नामक कंपाउंड्स के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। इनके कैल्शियम सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं, इसलिए डिटर्जेंट्स के साथ स्कम की कोई समस्या नहीं होती है। तो हमने देखा कि पानी कैल्शियम सॉल्ट युक्त चट्टानों के माध्यम से फ्लो होने से हार्ड हो जाता है, और ये कैल्शियम स्टीरेट का स्कम बनाने के लिए साबुन से रिएक्ट करते हैं, जिससे साबुन को यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टेम्पररी हार्ड वाटर गर्म करने पर लाइम स्केल जमा करता है, लेकिन बारिश का पानी सॉफ्ट होता है क्योंकि ये डिसॉल्व्ड सॉल्ट से मुक्त होता है।